हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छह रिजल्ट, मतलब रिजल्ट टाइम आ गया दोबारा। ये पूरा महीना रिजल्ट से ही निकलेगा और रिजल्ट से रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहेंगे जब तक अच्छी अच्छी कंपनी से रिलेटेड। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज नीचे अगर हम बात करें आज की डेट में दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, 20 वैल्यू बाइंग स्टॉक। अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो उसके पीछे का रीज़न क्या है इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नेम जरूर लिख दिया मैंने, बट इसे देख लीजिएगा। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर, ये स्टॉक्स में हमने पहले बताया था अच्छा खासा रिटर्न आज के डेट में मिला, सेम आपको इसी तरीके से रिटर्न इसमें मिलेंगे। सॉरी, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो एक एक करके रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले द्वारिका शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड, तो आपको बताना चाहता हूँ शुगर के रिजल्ट हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शुगर के स्टॉक्स में रैली थी क्या उस तरीके से रिजल्ट भी आया है कि नहीं आया है, क्योंकि ब्राज़ील की क्रॉप आई थिंक खराब हो गई थी। तो हम इंडिया की शुगर जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा खासा जंप यहाँ पर दिखाई दिया है, तो उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। डिविडेंड दिया है या नहीं दिया है उससे रिलेटेड आप देख लीजिएगा कुछ स्टॉक्स में शायद, क्योंकि मैं सीधे काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन लैक्स में यहाँ पर फिगर है और ये इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट है, लास्ट Q3 के या Q4 के रिजल्ट है लास्ट ईयर के। टोटल इनकम की बात करते हैं इंक्लूडिंग अदर इनकम, तो लेके 6130 लैक्स इन रुपीज, इससे पहले 38519 लैक्स इन रुपीज, इससे पहले 46320। तो देखिए ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस में यहाँ पर शुगर के जो ये स्टॉक है इसमें जंप दिखाई दी गई है, तो वो ऑब्वियसली बात थी क्योंकि जिस तरीके से शेयर भाग रहे थे ऑब्वियसली बात है अच्छे रिजल्ट आने ही थे। इसके अलावा बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस भी उसी के हिसाब से होता हुआ नजर आया है, 53802, इससे पहले 37791, इससे पहले 42614 लैक्स इन करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस था। इसके बाद अगर हम बात कर लेते सीधे एनपीएटी की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर अभी अगर आप देखते हैं तो जो अभी प्रॉफिट होता हुआ हमें नज़र आया है वो प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 4823, इससे पहले 747 था, इससे पहले 4426 था। तो ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छी जंप यहाँ पर देखी गई है, ओके, और क्वार्टरली बेसिस पे तो और उससे ज़्यादा अच्छी जंप यहाँ पर देखी गई है। तो मतलब द्वारिका शुगर जो हमारा शेयर है अच्छा खासा उसने रिजल्ट पेश करे है, तो इसके साथ आप इसके फंडामेंटल्स एक बार देख के आप इसके साथ जा सकते हैं। बाकी एक सीजनली स्टॉक आई थिंक मुझे लग रहा है, बाकी आप देख सकते हैं। अगर ईपीएस की बात करें, ईपीएस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, 2.35 का ईपीएस 2.56 ईयरली बेसिस पे हो गया है, 40 पैसे का ईपीएस 2.56 रुपये का हो गया। तो ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, तो इस शेयर की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी क्या सेगमेंट वाइज क्या है शुगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका वेरिफिकेशन पूरा बात करें ब्रीफली यहाँ पर रिजल्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आते हैं हम वोल्टास, तो ये जो रिजल्ट है ना कुछ कंपनी के ड्यूरिंग द मार्केट आ गए थे, तो हमें रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पर एक्शन भी देखने को मिल गया था। द्वारिकेश के रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट आ गए थे, वोल्टास कंपनी के रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट आ गए थे, तो इसका असर क्या हुआ था वो आप देख सकते हैं, जैसे भी स्टॉक में चल रहा होगा उसी तरीके से रिएक्ट किया है। अगर बात करें वोल्टास ने 5 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर आई है, ओके, ये रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 5 रुपीज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं और कुछ चीज़ों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे रिजल्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो एक मिनट दीजिएगा। देखिए तो इन करोड़्स में यहाँ पर रिजल्ट है, सेम पैटर्न है, ओके, आई थिंक होप आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके, अदर इनकम्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 2683 करोड़ इन रुपीज़ में यहाँ पर टोटल इनकम हुई है इस बार, इससे पहले 2046 थी, इससे पहले 2150। तो देखिए ईयरली बेसिस पर तो अच्छी खासी जंप है ही है, क्वार्टरली बेसिस पर भी यहाँ पर अच्छी खासी जंप है, लगभग 500 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर जंप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पर अगर टोटल एक्सपेंस हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 2340 करोड़ इन रुपीज़ का यहाँ एक्सपेंस हुआ, इससे पहले 1860 था, इससे पहले 1911। तो एक्सपेंस भी यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। बाकी यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बिफोर शेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं,
एक्सेप्शनल आइटम्स का यहाँ पर कुछ किया गया है एज वेल एज़ यहाँ पर शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर बात करते हैं सीधे एनपीएटी की तो यहाँ पर 238 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 128 करोड़ का प्रॉफिट था और लास्ट ईयर के Q4 की बात करें तो 159 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जो कि ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर दोनों में यहाँ पर अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है। ओके, वो भी एक्सेप्शनल आइटम का यहाँ पर सब कुछ एडजस्टमेंट करके, बाकी टैक्स वगैरह भी ज़्यादा देते हुए नजर आए, तो अच्छी खासी जंप यहाँ पर दिखाई दी है। बाकी अगर बात करें तो ये स्टॉक जैसे ब्लू स्टार का रिजल्ट आया था, ब्लू स्टार की तरह ही इसके रिजल्ट आया है, बट ब्लू स्टार का स्टॉक भी नीचे से करेक्ट होता हुआ नजर आया, तो बोल्टस का भी रिजल्ट के बाद भी शायद करेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है, तो आप इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर बात करते हैं EPS की, 7.18 रुपये का EPS है, इससे पहले 4.8 का था, इससे पहले अगर Q3 की बात करें 3.87, तो EPS में भी यहाँ पर अच्छी खासी जंप यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बल्कि ब्लू स्टार के रिजल्ट तो इनसे भी अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं, स्टिल कंपनी यहाँ पर कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। तो इसके अलावा बात करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर के अगर बात करें स्टॉक बहुत चला है। ओके, जिस तरीके से अगर बात करें 6-7 महीने या 1 साल के पेंडेमिक में जिस तरीके से रिजल्ट ये स्टॉक भागा है, ओके, आज की डेट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 500-600 के आसपास ये ट्रेड करता है। तो अगर बात करें फाइनल डिविडेंड, 10 रुपीज़ का इसने डिविडेंड भी दिया है, तो अच्छे रिजल्ट अगर इसके नहीं आए तो फिर ये यहाँ पर गिरता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके रिजल्ट, तो ये आपके सामने है सोनाटा के, तो अगर इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये किस हिसाब से यहाँ पर तोड़े गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू की बात करें 20,799 का यहाँ पर रेवेन्यू इस बार हुआ है, इससे पहले 22,664 का था, इससे पहले 27,723। तो ईयरली बेसिस पे भी गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस पे भी गिरावट है, तो यहाँ पर इस आईटी कंपनी ने, इस सॉफ्टवेयर कंपनी ने यहाँ पर रिजल्ट अच्छे पेश नहीं किए है, रेवेन्यू से ही पता चल गया है। एज वेल एज अगर बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और, रेवेन्यू में यहाँ पर अगर बात करते हैं अदर इनकम यहाँ पर ऑपरेशनल इनकम में भी गिरावट ही नज़र आ रही है, क्वार्टरली बेसिस पे तो लगभग फ्लैट है। बाकी अदर इनकम यहाँ पर लास्ट क्वार्टर और इससे पहले Q4 में अदर इनकम जुड़ती हुई नज़र आई थी, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसिव 50,568 के हुए, इससे पहले 14,000 रुपीज़ के से, इससे पहले 18। तो अगर बात करते हैं सीधे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 3,915 लाख रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 5,430 था, इससे पहले बात करें 7,908 था। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों पे यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है, उसका पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर जो रेवेन्यू हुआ है वो कुछ खास इस बार नहीं होते हुए नज़र आए हैं। EPS भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, ईयरली बेसिस पे तो हाफ ही हो गया है इसका EPS, क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी लगभग 70-80% की यहाँ पर गिरावट साफ नज़र आ रही है। यहाँ पर सेगमेंट वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू होता हुआ इनका नज़र आया, तो शायद ये शेयर आपको गिरता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा टाटा पावर की बात कर ले, टाटा पावर की सीधी अगर बात की जाए, कंपेरिजन किया जाता है अडानी पावर से, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर EPS, तो कंपनी ने 1.55 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड भी अनाउंस किया है, ओके, जो कि अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अगर इसके अलावा हम इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो हमें थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, एक मिनट दीजिएगा, यहाँ पर इसके रिजल्ट है, ओके, काफ़ी बेकार पिक्चर यहाँ पर दे रखी है इन्होंने। अगर यहाँ पर देख लेते हैं ये जो रिजल्ट है किसमें है, इन करोड़्स में यहाँ पर रिजल्ट दे रखे हैं, और यहाँ पर हम कंपैरिजन एक बार कर देते हैं, होप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर बात कर ले टोटल इनकम की, तो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, 10,222 करोड़ इन रुपीज़ के यहाँ पर अभी 10,222 के टोटल एक्सपेंस टोटल इनकम होती हुई नज़र आ रही है, इससे पहले 7,702 थी, इससे पहले 8,793 थी, तो मतलब क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे अच्छे खासे यहाँ पर टोटल इनकम होती हुई नज़र आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस के मामले में कंपनी ने सबको पीछे छोड़ दिया, यहाँ पर एक्सपेंस करने की बात करें तो कंपनी ने 10,235 मतलब जितनी इनकम नहीं उससे ज़्यादा तो यहाँ पर एक्सपेंस होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर अगर बात करें इससे पहले 75552 के यहाँ पर एक्सपेंसेस के बाद 6,819 के एक्सपेंस होते हुए नजर आए थे, तो कंपनी नेगेटिव में रिजल्ट आएंगे इसके, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस ज़्यादा होते हुए नजर आए हैं, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा एक रुपया वो वाला हिसाब हो गया इनका। अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट तो 59, ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग
एक मिनट दीजिएगा। हाँ, जो इसका प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है 481 करोड़ इन रुपीज़ का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले 318 का था, इससे पहले बात की जाए तो 474 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। ईयरली क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट में यहाँ पर चल रही है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर अगर बात करें एक्सपेंसेस की तो एक्सपेंसेस तो अच्छे खासे यहाँ पर देख सकते हैं, जितनी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा एक्सपेंस नज़र आ रहे हैं। ओके, इसके अलावा शायद कुछ एडिशन यहाँ पर ऐड होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है, कुछ चीज़ एडिशन वगैरह और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा एक बार, आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर अब इसके रिलेटेड और अलग हम देखेंगे एक बार, इसके इसे एनालाइज करेंगे बाद में। अगर बात कर लेते हैं सीधे EPS की, EPS से हमें एक बार मालूम चल जाएगा। तो बेसिक EPS की बात करें तो 1 रुपये का यहाँ पर EPS है, इससे पहले 0.23 का EPS था, इससे पहले अगर बात करें 2.31 रुपीज़ का यहाँ पर EPS था। तो कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक आते हुए नज़र आया, बट यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया किस तरीके से, तो एक बार हमें देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर कंपनी ने अगर बात करें यहाँ पर रेवेन्यू से, जो कि मेन है कि कंपनी रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं, रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं UPL की। ओके, UPL ने भी यहाँ पर डिविडेंड देते हुए नज़र आया है, बात करें 10 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड दिया है। और UPL की बात करें तो ये आपको पता ही है, एग्रोकेमिकल्स में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। इसके रिजल्ट भी देख लेते हैं, तो इसके रिजल्ट यहाँ पर है, तो इन करोड़्स में ही यहाँ पर रिजल्ट दे रखे हैं। तो अगर यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें 12,845 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर इस बार इनकम हुए, इससे पहले 9,193 के थे, इससे पहले 11,162 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर इनकम थी। तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस में यहाँ पर अच्छी खासी जंप है, तो इस कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस यहाँ पर ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं, 11,142 क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस में यहाँ पर एक्सपेंस ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। एज वेल एज यहाँ पर अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 1361 करोड़ रुपए का इस बार का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, इससे पहले 944 था। और लास्ट Q4 की बात करें तो 784 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर टोटल प्रॉफिट होता हुआ, नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। तो अगर ईयरली बेसिस की बात करें तो लगभग दुगना ही कह सकते हैं, और क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो लगभग 400 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा है। EPS की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप EPS देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए EPS 12 रुपये 75 पैसे का EPS है, इससे पहले 10.38 का था, इससे पहले 8 रुपीज़ 8 पैसे का EPS था। तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। एज वेल एज बात करें वर्धमान कंसंट्रेट, तो अगर वर्धमान की बात करें तो बचपन में हमारी मम्मी आई थिंक स्वेटर बुनती थी, तो वर्धमान की ऊन यूज़ करती थी, तो उसी कंपनी ये कंपनी उसी चीज़ में काम करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर इसके रिजल्ट है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स मैंने पूरे चेक नहीं करे, बट ऊपर से अच्छे लग रहे थे, इन लैक्स में यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू यहाँ पर 20 लैक्स रुपीज़ का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू हुआ है, इससे पहले 1 करोड़ 3 लाख का था, इससे पहले अगर 1 करोड़ 3 थाउजेंड का था, इससे पहले अगर बात करें तो 22 लैक ओके 44 यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली ईयरली भी दोनों बेसिस में यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस तो बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं, 10 लैक्स 10.11, इससे पहले 10.34, इससे पहले 15.9। तो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर अगर बात करें तो एक्सपेंस यहाँ पर कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर देखिए कंपनी लॉस में है, 9.64 ओके लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर लॉस है, इससे पहले 9.505 का यहाँ पर नेगेटिव था, इससे पहले 4.2। मतलब क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपनी प्रॉफिट से नेगेटिव में आ गई है। EPS की बात करें तो यहाँ पर बेसिक की बात करते हैं तो 13 पैसे का यहाँ पर नेगेटिव में EPS है, इससे पहले भी 13 पैसे का नेगेटिव में था, इससे पहले 6 पैसे का यहाँ पर ये पॉजिटिव EPS था। और मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से मैंने रिजल्ट पर इसके वो देखे थे फंडामेंटल्स, ऊपर से देखे थे, तो यहाँ पर कंपनी लगभग डेट फ्री बहुत कम डेट था और अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे चल रही थी, इस वजह से मैं कह रहा था कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं। बाकी हम इस और अगर चाहेंगे तो एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी अगर
बात करें तो कंपनी देखे द्वारिकेश ने अच्छा खासा रिजल्ट पेश किया है, एज वेल एज हम बात करते हैं वोल्टास ने अच्छा खासा रिजल्ट पेश किया है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर इस कंपनी सोनाटा ने बकवास रिजल्ट पेश किए हैं। इसके अलावा टाटा पावर ने भी अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूपीएल ने सबसे अच्छे रिजल्ट पेश करे हैं और वर्धमान ने भी बेकार यहाँ पर रिजल्ट पेश करे हैं। तो यहाँ पर इन कंपनी की तरफ इसी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करके चलना है कि किस कंपनी ने किस तरीके के जिस तरीके से आपको रिजल्ट दिए उसी तरीके से उसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। जिसने अच्छे रिजल्ट दिए उस कंपनी के साथ रहना है लॉन्ग टर्म में, तो आपको वो रिवॉर्ड देती हुई नजर आएगी। बाकी बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।